नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। चैनल का नाम है दीप का डेली ब्लॉग्स। हमेशा की तरह सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी लोगों का जिन्होंने मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिया है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आप सभी लोगों का धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं कोई पर्टिकुलर परफ्यूम का रिव्यू लेके नहीं आया हूँ आपके सामने। मैंने एक लिस्ट तैयार किया है वाइल्ड स्टोन के 5 सबसे बेहतरीन परफ्यूम। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफी सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था या मुझसे सजेशन मांगी थी कि वाइल्ड स्टोन के ऐसे कौन कौन से परफ्यूम हैं जिसे हम आने वाले विंटर्स में यूज कर सकते हैं, या उनके कुछ बेस्ट परफ्यूम हमें सजेस्ट कीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इंडिविजुअली मैं एक एक जन को सजेस्ट करूं, इसका एक लिस्ट ही बना देते हैं वाइल्ड स्टोन के जो 5 बेहतरीन परफ्यूम है मेरे कलेक्शन में। मैंने एक लिस्ट आप लोगों के लिए तैयार किया है। वैसे तो मेरे पास वाइल्ड स्टोन के 10 से 12 फ्रेग्रेंसेस हैं, उनमें से काफी सारे फ्रेग्रेंसेस का मैं डिटेल रिव्यू भी बना चुका हूँ, लेकिन ये जो है मुझे लगता है कि बेस्ट 5 जो है मैंने आप लोगों के लिए ये लिस्ट बनाया। तो आइए लिस्ट को शुरू करते हैं। और नंबर 5 में मैंने रखा है वाइल्ड स्टोन की रेड को। ये वाइल्ड स्टोन का रेड है, वैसे तो ये थोड़ा डेटेड है फ्रेग्रेंस, 2013 की मेरे ख्याल से ये तब रिलीज हुई थी। मैं काफी सालों से इसे यूज कर रहा हूँ। रिसेंटली जब मैंने इसे परचेस किया, और रिसेंटली मैंने इसका डिटेल रिव्यू भी बनाया है, आप चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल में इसका रिव्यू है। ये फ्रेग्रेंस जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले के मुकाबले से मुझे लगता है वाइल्ड स्टोन ने जो है अपना इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, फ्रेग्रेंस की क्वालिटी को थोड़ा बेटर किया है। तो अभी जब मैं ये फ्रेग्रेंस को यूज करता हूँ, मुझे एक प्रॉपर एप्पल वाली नोट इसमें से मिलती है, और इस फ्रेग्रेंस का जो है प्रॉपर ट्रांजिशन, मतलब जो ओपनिंग नोट से मिडिल नोट, मिडिल नोट से बेस नोट, ये प्रॉपरली पता चलता है। तो क्वालिटी में मुझे लगता है वाइल्ड स्टोन ने काफी ज्यादा सुधारा है अपने आप को, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये काफी यूज कर रहा हूँ, मेरा जूस लेवल देख सकते हैं आप लोग। और ये आने वाले विंटर में मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन रहेगा इवनिंग टाइम के लिए, इवनिंग वेयर के लिए, पार्टी डेट नाइट के लिए एक अच्छा ऑप्शन ये बन सकता है। तो ये था मेरा नंबर 5 वाइल्ड स्टोन रेड। नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे है ये परफ्यूम है वाइल्ड स्टोन का एमो। इसका भी मैंने डिटेल रिव्यू बनाया है। ये उनकी रिसेंटली लॉन्च हुई बैड एस कलेक्शन में से है, जो के 3 परफ्यूम है उसमें। उसमें से 2 मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उसमें से ये एक है। इसका जो है सेंट प्रोफाइल है वो है, ये थोड़ा सा टोबैको नोट इसमें से आता है, एक मेटलिक सा नोट इसमें से आता है। मैंने वैसे इसका भी डिटेल रिव्यू बनाया हुआ है। ये थोड़ा यूनिक है, ये अच्छा लगता है। मुझे लगता है सर्दियों के मौसम में ये बहुत अच्छे से काम करेगा। थोड़ा मैच्योर साइड पे है, थोड़ा मैनली फ्रेग्रेंस है, इवनिंग टाइम के लिए सर्दियों के मौसम में ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। ये है वाइल्ड स्टोन का एमो फ्रॉम देयर बैड एस कलेक्शन। उसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 पे मैंने रखा है इरिडियम को। ये कोड सीरीज का बॉडी परफ्यूम है। ये बहुत जबरदस्त परफ्यूम है। ये मैंने सिर्फ 200 रुपये में परचेस किया था मेरे नियरेस्ट एक लोकल स्टोर से। ये डियोर शोवास का क्लोन है। काफ़ी हद तक ये डियोर शोवास जैसी स्मेल करती है, काफ़ी सिमिलर लगता है मुझे ये डियोर शोवास से। इसका डिटेल रिव्यू भी मैंने बनाया हुआ है, काफ़ी सारे लोगों ने इसका रिव्यू बनाया है। अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू देखना है तो प्लीज़ चेक कीजिएगा, चैनल में इसका डिटेल रिव्यू है। ये दिन के समय या शाम के समय आप इसे कभी भी यूज करें, बहुत अच्छे से काम करती है। 4 घंटे 5 घंटे तक की आराम से इसमें से आपको लॉन्गजीविटी मिल जाएगी, और काफी हद तक डियोर शोवास जैसा स्मेल करता है। हाँ, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता हूँ, बट काफी क्लोज है ये डियोर शोवास से। और इस प्राइस पॉइंट में एक डियोर शोवास जैसे परफ्यूम जिसका प्राइस 10,000 है, उसका क्लोन बनाना ही अपने आप एक में एक बड़ी बात है। तो ये नंबर 3 है, बहुत अच्छा है ये वाइल्ड स्टोन कोड इरिडियम। नंबर 2, नंबर 2 पे मैंने रखा है वाइल्ड स्टोन की एक और ये बैड एस कलेक्शन में से है। इसका नाम है विस्की। ये जो फ्रेग्रेंस है, रिसेंटली मैंने इसका रिव्यू बनाया है, काफी सारे लोगों ने रिव्यू को पसंद किया है। ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है, या तो आपको ये फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद आएगा, या तो आपको ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये इस टाइप की फ्रेग्रेंस है, इसमें एक बहुत जबरदस्त विस्की की नोट आती है। काफी सारा लोगों ने इसका रिव्यू बनाया है, इंग्लिश में, हिंदी में, अगर आप देखना चाहते हैं तो काफी सारा रिव्यू अवेलेबल है। ये मेरा विंटर में मेरा
डेली मतलब मेरा सिग्नेचर सेंट होगा इस बार, क्योंकि मुझे ये परफ्यूम पर्सनली बहुत पसंद है। कुछ लोगों ने काफी डिफरेंट चीजें बोली है, किसी को इसमें से बियर की स्मेल आती है, किसी को इसमें से विस्की की स्मेल आती है, किसी को मॉल्टी विस्की की स्मेल आती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक बर्बन विस्की के साथ आप फिजी कोई भी चीज जैसे कोक वगैरह को मिलाएंगे, उसमें से जो कॉकटेल निकल के आती है ये उसी के जैसे स्मेल करती है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये थोड़ा सा ब्लाइंड वाई नहीं है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग फ्रेग्रेंस है, तो इसे एक बार 20 ml अवेलेबल है, आप चाहे तो एक बार ट्राई करके उसके बाद इसका 100 ml परचेस कीजिएगा। मैंने वैसे इसका 100 ml ऑर्डर कर दिया है। तो ये जो है ये नंबर 2 वाइट स्टोन की बैड एस कलेक्शन में से विस्की नंबर 2। अब बारी है नंबर 1 की। काफी सारा वाइट स्टोन का फ्रेग्रेंस मैंने यूज किया है, बट मुझे लगता है अभी रिसेंटली 1-2 सालों में वाइट स्टोन ने जितने भी फ्रेग्रेंसेस रिलीज किए हैं उसमें से अभी तक के लिए सबसे बेस्ट मुझे यही फ्रेग्रेंस लगा है। यह है वाइट स्टोन का एज। वैसे तो ये सिमिलर है रसासी हवास या इनविक्टस से, लेकिन मैंने इसका भी डिटेल रिव्यू बनाया हुआ है, लेकिन मुझे फिर भी इस प्राइस पॉइंट पे ये वाइट स्टोन का सबसे बेस्ट फ्रेग्रेंस लगता है। इसे आप कोई भी वेदर में, दिन के समय, शाम के समय कभी भी यूज कीजिए। यंग क्राउड से लेकर मैच्योर पर्सन तक इसे कोई भी यूज कर सकता है। ये बहुत इजी गोइंग फ्रेग्रेंस है। हाँ, डिटेल रिव्यू में मैंने कुछ और भी ज्यादा चीजें प्रॉपरली मैंने मेंशन किया है, क्योंकि ये एक लिस्ट है, लेकिन लिस्ट में मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है। वाइट स्टोन की अभी तक की ये मुझे लगता है बेस्ट फ्रेग्रेंस है। तो ये मेरा नंबर 1 है, वाइट स्टोन एज। तो ये था मेरा रिव्यू, ए लिस्ट फॉर दी बेस्ट फ्रेग्रेंसेस जो वाइट स्टोन का है करेंटली मार्केट पे, जो 5 मुझे लगता है सबसे जबरदस्त उनकी फ्रेग्रेंस है, और आने वाली विंटर्स में आप इनमें से जो फ्रेग्रेंसेस मैंने आपको सजेस्ट किए हैं वो ट्राई कर सकते हैं। सारे बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। एक ये विस्की को अगर आप ट्राई करते हैं तो इसको थोड़ा सा जज कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है ये चैलेंजिंग है। बाकी जो सारा फ्रेग्रेंसेस है इजी गोइंग है, कोई भी इसे परचेस कर सकता है, ब्लाइंड बाय भी कर सकता है, आप इसे यूज करें। लेकिन ये जो विस्की है थोड़ा सा इस लिस्ट में चैलेंजिंग है। हालांकि मैंने इसको नंबर 2 पे रखा है क्योंकि मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत सारे लोगों को ये फ्रेग्रेंस पसंद आ रही है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ ये ब्लाइंड बाय के लिए नहीं है। अगर आपको टेस्ट करना है तो 20 ml वाइट स्टोन का ये बैडास कलेक्शन का अवेलेबल है, तो जरूर पहले टेस्ट कर लीजिएगा। बाकी नंबर 1 पे यही फ्रेग्रेंस रहेगा, ये है वाइट स्टोन का एज। तो ये था मेरा लिस्ट फॉर 5 बेस्ट फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम द हाउस ऑफ वाइट स्टोन। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत ही जल्द मिलूंगा आप लोगों से एक नए रिव्यू में। थैंक यू।